तो जिस तरीके से आज एनसीपी का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया और इसमें कई अहम बदलाव भी किए गए हैं, और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत के लिए हमारी संवाददाता प्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रिया, शरद पवार ने एनसीपी का 25वां स्थापना दिवस मनाया, जिसके बाद प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सूले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तो आप पता है प्रिया, क्या ये फैसला अजीत पवार के लिए कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है? जी, आपको बता दें कि आज एनसीपी का स्थापना दिवस था 25वां, तमाम नेता और शरद पवार सभी नेता यहाँ पे मौजूद थे दिल्ली के कार्यालय पे। वहीं पर उन्होंने एक बड़ी अहम घोषणा की है, जिसमें सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले जो एनसीपी में लगातार अटकलें चल रही थी, उठक बैठक लगातार चल रही थी और बातचीत जिसे अंदर की बातें बाहर निकल के आ रही थी अजीत पवार के लिए, उस तरीके से आज जिसे उनको बड़ी जो भूमिका दी गई है और कई राज्य दिए गए हैं सुप्रिया सूले को, इस तरीके से लगता है कि अजीत पवार को कहीं ना कहीं साइड करने की ये पहल की गई है। साथ ही आपको बता दें कि कुछ देर में शरद पवार अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि एनसीपी में कई बदलाव आने वाले हैं, जिसे आज सुबह ही उन्होंने दो बदलाव किए, उसके बाद अब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, जिसके बाद उसमें कई घोषणा भी कर सकते हैं और काफ़ी बदलाव भी कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज उनका 25वां स्थापना दिवस था एनसीपी का, तो उसको लेकर काफ़ी उत्साह भी देखने को मिला। मगर जिस तरीके से एक तरफ ये भी कयास लगाया जा रहा था कि अगर पार्टी की कमान अजीत पवार के हाथ में जाती है तो कहीं ना कहीं एनसीपी बीजेपी के साथ जुड़ जाएगी, ऐसे में शरद पवार के इस फैसले से क्या बीजेपी की उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिरा है? जी, जैसे कि पहले बातें निकल के आ रही थी कि अजीत पवार बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं अलग से उनको सपोर्ट करते हैं, तो जो आज घोषणा की गई है शरद पवार के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट था और ये कहा जाएगा कि अजीत पवार को भी पार्टी से दूर करने के लिए और उनको भी जो जिम्मेदारी उन्हें जिम्मेदारी जो नहीं दी गई है, उस तरीके से भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए नेगेटिव पॉइंट निकल के बाहर आया है। प्रिया, शरद पवार ने जिस तरह से अपने बयानों में बीजेपी के खिलाफ हमला बोला है, क्या इसे एनसीपी का शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है? साथ ही आप हमें यह भी बताएं प्रिया, क्या आने वाले चुनावों में शरद पवार का ये फैसला एनसीपी कार्यकर्ताओं को मजबूती देने वाला है? जी, आपको बता दें कि आज अपने घोषणा जब उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि जो जैसे जिस स्टेट में बीजेपी है, वहाँ पे ना तो उन लोगों को सही तरीके से चीज़ें मिल रही हैं और जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, 19वीं सदी का उन्होंने याद दिलाया, कहा कि ये पूरा जैसे 2023 चल रहा है मगर हमें इस वक्त ऐसा लग रहा है कि 19वीं सदी में है, मगर ये सारी चीज़ें उन्होंने निशाना साधते हुए बीजेपी पे कहा है कि कहीं ना कहीं अब इससे लग रहा है कि आने वाले समय में 2024 के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और मंत्रियों को एकजुट और उनको उत्साह करने के लिए ये शब्द बोले हैं, और साथ ही बीजेपी पर तानाशाह है और उनको ये दिखाने के लिए कि आने वाले समय में हम एकजुट होंगे और विपक्ष को भी एकजुट करने की बात भी उन्होंने कही थी। तो इस तरीके से जैसे 23 जून को एक विपक्ष की बैठक होने वाली है, इसमें तमाम विपक्षी नेता भी पहुंचने वाले हैं, तो ये लगातार ये चल रहा है कि विपक्षी पार्टी एकजुट हो, और एकजुट होने की बात हम लगातार विपक्षी पार्टी कर रही है कि जिससे कि बीजेपी को 2024 में मात दी जाए और जो 25 के चुनाव आने वाले हैं उसमें भी मात दी जाए। जी प्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि आपको बता दें कि आज एनसीपी का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया, इस दौरान शरद पवार ने कई अहम बदलाव भी किए, जिसमें पार्टी मुख्यालय में पहले तो झंडा तिरंगा फहराया गया। इसके साथ ही स्थापना दिवस पर पार्टी संगठन में दो अहम बदलाव किए गए, शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सूले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है।